सब्सक्राइब कर रहे हमारे चैनल देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास को और बेल आइकन को भी क्लिक कर दे ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेल, आई एम आल्सो वेरी वेल। फ्रेंड्स, पिछली क्लासेस में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाना बताया था और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड्स तरह के सेंटेंसेस को। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड्स का फॉर्मूला हर जगह वही रहता है, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है हेल्पिंग वर्ब के ऊपर, डिपेंड करता है कि उसमें कितने हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो इसमें इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दो नहीं है या तीन नहीं है, एक ही हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। बीन इज नॉट हेल्पिंग वर्ब, बट लोग स्टूडेंट्स हमारे मेरे क्लास में भी काफ़ी कन्फ्यूज होते रहते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते वक्त कि बीन नॉट के बाद या नॉट से पहले, ये सब। तो आज हम अच्छी तरह से देखते हैं, एक नज़र डालते हैं नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स के तरह के सेंटेंसेस पर और सीखते हैं अच्छी तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, कम। सबसे पहले हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे कि वह 4 बजे से खेल रहा है। दिस इज द अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ही हैज बीन प्लेइंग 4 बजे से है, तो 4 बजे से है इसलिए सिंस लगेगा, सिंस 4 o'clock। अब इसके हम नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव में क्या होता है? नहीं होता है। तो नेगेटिव में जब भी नहीं आए तो ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। ठीक है फ्रेंड्स, तो हैज के बाद यानी हैज और हैव के बाद बिन लगाएंगे, उसके बीच में नॉट लगाएंगे। यानी इस तरह से हम बोलते हैं कि हैज के बाद नॉट लगाएंगे फिर बिन लगाएंगे, यानी बिन से पहले ही नॉट लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इंटरोगेटिव लेते हैं। इंटरोगेटिव में क्या आएगा, क्या से शुरू होगा? क्या वह 4 बजे से खेल रहा है? हैज ही बिन playing since 4 o'clock। अब इसका हम क्वेश्चन कर लेंगे। कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हैज हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर बीन। अगर इसमें नॉट आएगा तो याद रखो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस में जब भी इंटरोगेटिव में नॉट आता है या क्वेश्चन वर्ड में नॉट आता है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन सा? ही। जैसे अगर इसमें होगा कि क्या वह 4 बजे से नहीं खेल रहा है, हैज ही नॉट बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, या हैजंट ही बीन, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि हैजंट ही बीन। अगर हम क्वेश्चन में लेते हैं कि वह 4 बजे से क्यों खेल रहा है, वह 4 बजे से क्यों खेल रहा है, तो why has he been playing since 4 o'clock। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अफर्मेटिव, दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस, दिस इज नेगेटिव, दिस इज इंटरोगेटिव एंड दिस इज क्वेश्चन वर्ड्स। फ्रेंड्स, अगर आप नए होंगे तो मैं आपको बता दूं कि इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड्स बुक में आप एक ही पाएंगे, लेकिन मैंने अलग अलग किया हुआ है। क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को मैंने इंटरोगेटिव में डाला है और उसके बाद जो भी हु, व्हाई, व्हेन, व्हाट, उसको मैंने क्वेश्चन वर्ड में डाला है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आपको बड़े मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि यार बुक में तो वो सब दिया हुआ है, इंटरोगेटिव में हु, व्हाई, व्हेन, व्हाट वो सब दिया हुआ है। वो दिया है ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा
समझने में सहूलियत हो, सरलता के लिए मैंने इसको अलग अलग कर दिया है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक नेगेटिव वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव में लेते हैं। क्या वह 2 घंटों से नहीं खेल रहा है? क्या वह 2 घंटों से नहीं खेल रहा है? तो हैज ही नॉट बीन प्लेइंग, यहाँ पे 2 घंटा इसलिए फॉर लगेगा, 2 आवर्स। ठीक है फ्रेंड, या इसको हम यहाँ पर हैजंट भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म हैजंट ही बीन, उसके बाद ऐसा सेम। अभी क्वेश्चन लेते हैं कि क्या तुम 2 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो? तुम 2 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो? तो व्हाई हैव यू नॉट बीन कमिंग टू स्कूल? कमिंग टू स्कूल कितने दिनों से है? 2 दिनों से है, तो 4 लग जाएगा, 2 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इंटरोगेटिव में नेगेटिव हो तो इस तरह से बनेगा, और क्वेश्चन वर्ड में नेगेटिव हो तो इस तरह से बनेगा। हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाते हैं, या तो आप ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो फिर हैज हैव के साथ शॉर्ट फॉर्म में लगा दो, हैवंट हैजंट। ठीक है फ्रेंड्स, वह कितने दिनों से खेल रहा है? वह कितने दिनों से खेल रहा है? कितने दिनों से, यहाँ पर थोड़ा अलग होगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा तरीका, तो यहाँ पर हम 4 पहले लगाएंगे, 4 हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज Has he playing? इस सेंटेंस में ध्यान देना फ्रेंड्स, वह कितने दिनों से खेल रहा है, वह कितने सालों से इस कंपनी में काम कर रहा है, तो फॉर और सिंस इसमें जो भी आता है वो पहले लगाएंगे, बाद में नहीं लगाएंगे। जैसे तुम कब से अंग्रेजी सीख रहे हो? तुम कब से अंग्रेजी सीख रहे हो? तो यहाँ पे सिंस वेन, एक बार मैंने पहले भी आपको बताया था कि कब से आएगा, तो सिंस वेन पहले लगाना है। सिंस वेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे, इसमें सिंस और फॉर और सिंस पहले लगेगा, नहीं कि आप उसको बाद में लगा रहे। ठीक है फ्रेंड, तो अभी हम थोड़ा कुछ और सेंटेंसेस स्क्रीन पे देख के और भी ज्यादा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए, फॉर हाउ मेनी इयर्स हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी? तुम कितने सालों से शहर में रह रहे हो? हु हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर मेनी डेज? कौन बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है? Since when have they been cutting that tree? वे लोग कब से उस पेड़ को काट रहे हैं? Has he been teaching you for 7 years? क्या वह तुम्हें 7 सालों से पढ़ा रहा है? Why have you not been studying for some days? तुम कुछ दिनों से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? Has your brother been singing since childhood? क्या तुम्हारा भाई बचपन से गा रहा है? ओके फ्रेंड्स,
तो ये था हमारा आज का क्लास प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड्स। आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।